हेलो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप कड़ी लीव्स का प्लांट, कड़ी पत्ता का प्लांट जो है अभी न्यू ग्रोइंग पीरियड चल रहा है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें मैंने उस दिन शॉर्ट वीडियो में डाला था कि हमने इसकी फ्लावर जो है आपको रखना है, सीड्स बनाने हैं तो आप उनको रखिए, नहीं तो कट कर दीजिए। देखिए, मैंने उस दिन कट कर दिए तो उसका रिजल्ट देख सकते हैं आप। यहाँ से भी एक, यहाँ से भी टू टू ब्रांचेस निकल रही, और ये यहाँ भी, तो सभी नोड एरियाज में आप देख सकते हैं सभी में जो है न्यू लीव्स का जो है प्रोपोगेशन चल रहा है। इस तरीके से फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं तो अभी अपने जो नीम के प्लांट में इस तरीके का वर्क करें, और समय रहते गुड़ाई करिए। और गुड़ाई का स्पेस नहीं है तो फ्रेंड्स, उसकी रिपोर्टिंग जो है आपको फरवरी मंथ में कर लेनी चाहिए थी फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा होता है। ये देखिए, एक ही प्लांट में हॉच पॉच हो रखे हैं पॉट में, तो हमको इस तरीके से, और ये देखिए ये ओल्ड हो गई हैं, उन लीव्स को हटा दीजिए इस तरीके से। सब मैंने हटा दी, अब भी फेंकती जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं ये, इनको हटाने से क्या होगा, जो न्यू लीव्स आ रही हैं वो थोड़ा स्पीड पकड़ेंगी, ये पुरानी वाली हम हटा देते हैं ब्रांचेस। ऐसे तो हम तोड़ते रहते हैं फ्रेंड्स कुछ भी बनाने के लिए, पोहा में, कढ़ी में, बट जो ऐसा होता है कभी कभी कुछ लीव्स रह जाती हैं तो उनको आप पुरानी को इस तरीके से हटा दीजिए सब। और फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र की बात कहें तो खट्टा मटा सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स, और उसके बाद आप टाइम रहते इसमें गोबर की खाद डालिए। तो आज मैं इसमें डालने वाली गोबर की खाद, उस दिन मैंने 1 वीक पहले वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी मेरी शॉर्ट वीडियो, तो उसमें मैंने खट्टा मटा डाला था, उसको हमें वाटर मिक्स करके ही डालना है। तो आज मैं गोबर की खाद डाल देती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं गोबर की खाद इसमें डाल रही हूँ, ये वाला प्लांट इसमें से हटा देती हूँ और इसमें गोबर की खाद देखिए, और इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आप मॉर्निंग टाइम में करिए, अभी बज रहे हैं 7, बट जो है सूरज तो निकल आया है, काफ़ी तेज़ रोशनी है, गर्मी बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स। अगर आप और जल्दी कर सकते हैं अपने गार्डन में वर्क, और जल्दी भी कर दीजिए इस तरीके से, देखिए वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से। इसमें मैंने देखी ये लगा दी सेवंती, तो ये हमें नेक्स्ट ईयर में काम आएगी। देखिए, ये भी एक छोटा सा कड़ी प्लांट लगा हुआ है, इसको भी हम इसमें से सीड्स हटा देते हैं, इसमें भी न्यू ग्रोथ होगी। ये बहुत छोटा सा प्लांट है फ्रेंड्स, इसका जो है लगे तो इसको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, बट जो है इसका देखिए अभी तक इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है इतने सारे जो प्लांट, देखिए इसी में जो है गेंदे का प्लांट है, और ये, और इसी में कड़ी लीव्स का है, और भी हैं अदर, इस वजह से इसको शेड मिलता है। तो छाया में फ्रेंड्स कोई भी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में लगा रखा है, बाकी और एक बीच वाली बालकनी में आपने देखा होगा वो भी अच्छे से हो रहा है। तो ओनली 1 प्लांट रखें, और अदर है तो उसमें आप उसका जो छाए पड़ेगी तो छोटा वाला प्लांट कभी नहीं आगे बढ़ेगा, एक प्लांट ही अच्छे से बढ़ेगा। उसकी शेड में आप इस तरीके से जो हैज वाले प्लांट होते, जैसे ये हुआ, सेवंती हुआ, और ये वाइन, तो देखिए फटाफट अपराजिता की इसमें चलती जा रही है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बट उसी के साथ कड़ी प्लांट का लगाएंगे तो वो नहीं बढ़ पाएगा, उसकी छाए पड़ेगी। तो वीडियो कैसी लगी? चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।